Sir, my back and my apologies. I don't mean to turn my back on you. My back, is it okay if I stand here and talk? Huh? Is it okay? Yeah? Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. His Excellency Sri Vidyasagar Rao Garu, Srimati Pamela Chopraji, my little sister, Shatruganji, and all the distinguished guests, and all the jury members, thank you, thank you, thank you so much for this honor. I've always maintained that it's more important for me to give than receive. I guess I gave my share of the only thing I know of, that is love, to receive this in the form of ESG's award. So thank you for that, all the jury members and everybody who voted for me. I take this award as not just an award or a validation, but I think it is something of a reminder to say that the curtains have not fallen yet. There is still the best is to come in the near future, inshallah. And it will definitely be a reminder for me to do better than the best, better than ever before. And this is not my last chapter, but this is the best, best chapter yet to be done. Yes, ji, ke baare mein bolna chota ho badi baat ho jayegi. Unke baare mein kya kehne hain? Itna zarur kahungi ki unhone mujhe ye sikhaya ki pyar kaise kiya jata hai. Na sirf unki filmon ko dekh karke mujhe samajh aaya ki acha. न सिर्फ बोलने में या देखने में खूबसूरती है, एक बहुत मुलायम जज्बात है, लेकिन एक एहसास जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान महसूस ज़रूर करता है, वो यश जी ने मुझे सिखाया. उनकी संगत में तो मैं एक शायर राना बन गई, मैं शायर बन गई और मैंने ज़िंदगी में एक शेर लिखा. तो अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं. उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, फिर से दोहराऊंगी क्योंकि माहौल भी ऐसा है कि अगर किसी को चाहो तो चाहो इतना, अगर किसी को चाहो तो चाहो इतना कि किसी और चाहत की चाह भी ना. ये यश जी ने मुझे सिखाया. पीछे किसी ने कितना भी कह लीजिए वो बात नहीं है, वो बेस ही नहीं है. एक और बात उन्होंने ही मुझे सिखाया, बल्कि उनकी फिल्म में मैंने डायलॉग भी बोला कि वो बात जो लफ्जों में अदा हो जाए वो बात ही. Having said that, कुछ तो बोलना है. इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें सब लोगों ने मेरे बारे में कही है, सिर्फ फैमिली ने कही है, कोई बात नहीं, मैं घर आ जाया करूँगी सुनने के लिए, इस बहाने घर आऊँगी. लेकिन उन्होंने ये मुझे इंस्पायर किया और मुझे सिखाया कि एक शेर में मैं आज कर देती हूँ उन्होंने क्या मुझे सिखाया. गुलजार भाई साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है. इजाजत है जी, बहुत टाइम नहीं लेना चाहती, मुझे भी भूख लग रही है. यश जी, दिस इज फॉर यू. मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, मैं कायनात में सैयारों में भटकती थी, धुएं में धूल में उलझी हुई किरणों की तरह. मैं कायनात में कई सैयारों में भटकती थी,
धूल में उलझी हुई किरण की तरह मैं जमीन पे भटकती रही हूँ सदियों तक। गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा उसकी तरह मैं इस जमीन पे भटकती रही हूँ सदियों तक। गिरा है वक्त से कटकर जो लम्हा उसकी तरह बदन मिला तो गली गली भटकती रही, गली में घर का निशान ढूंढती रही परसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकती हूँ मैं, तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकती हूँ। लबों से झूम लो, आंखों से थाम लो मुझको, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे बना मिले। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।